नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सबरंग में। मित्रों, कहते हैं कि एक आशावादी व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर तलाश लेता है, जबकि एक निराशावादी व्यक्ति अच्छे से अच्छे अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है। इसीलिए जो आशावादी है वो निरंतर आगे से आगे बढ़ता चलता है, और निराशावादी व्यक्ति या तो वहीं ठहरा रहता है या फिर पीछे की ओर चलता चलता है। आप सभी आशावादी हैं और आगे से आगे बढ़ते चल रहे होंगे अपने जीवन में, और हमारी भी यही कामना है कि आप निरंतर आगे से आगे बढ़ते चलें। और इस आशावादिता में सुवाक्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए प्रतिदिन सुंदर सुवाक्य से ही हम शुरुआत करते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। अवसर होते नहीं, आप उन्हें बनाते हैं। क्रिस ग्रॉसर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अवसर भाग्यशाली लोगों के लिए ही है, सबकी बस की बात नहीं है। दोस्तों, पर ऐसा नहीं है। अगर लक्ष्य निर्धारित करके उस एक लक्ष्य में लगे रहते हैं, उनका भाग्य बढ़ता रहता है और उन्हें बहुत अवसर मिलते रहते हैं। परमात्मा ने कहा है, हिम्मत का एक कदम आपका और मदद का हजार कदम मेरा। जीवन में अवसर का निर्माण करते हुए आप आगे से आगे बढ़ते चलें, ये हमारी कामना है। लेकिन मित्रों, केवल आगे बढ़ना या सफल हो जाना ही तो पर्याप्त नहीं है, जीवन का सुखमय होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये तभी होता है जब हमारे जीवन में तीन पिलर्स हों। एक, हमारे जीवन में संतोष हो, दूसरा सेवा भाव हो, और साथ ही साथ निर्भयता हो। क्योंकि जहां स्वार्थ है, लालच है या भय है, वहां जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो इन तीनों पिलर्स को अपने जीवन में शामिल करें, और साथ ही अपने स्वास्थ्य को सुंदर रखने के लिए तीन पिलर्स को जरूर अपनाएं। वो तीन पिलर्स क्या है, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वास्थ्य के बारे में हम सब कुछ जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, पर आपकी सूचना के लिए स्वास्थ्य जो WHO ने परिभाषा दी है, वो परिभाषा कहती है कि स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ हैं। खाली बीमारी की ना होने को हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। अर्थात स्वास्थ्य के चार पिलर्स हैं जिस पर स्वास्थ्य खड़ा होता है। वो है, एक तो हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन, तीसरा हमारा समाज, और चौथा हमारा आत्मा कहें आध्यात्मिक तौर। तो चारों पिलर्स ठीक हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। किंतु कई बार हम इस पर क्रिटिसाइज ये करते हैं लोग कि ये जो स्वास्थ्य की स्थिति है, ये स्थिति नहीं होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस जो कभी बदल सकता है। एक जो अभी लेटेस्ट परिभाषा वो आती है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य एक डायनेमिक प्रोसेस है। किसका? तीन एनर्जी हैं हमारे अंदर, एक आत्मिक एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा है, एक मानसिक ऊर्जा है और एक शारीरिक ऊर्जा है। तो तीनों एनर्जी की हारमोनी, सामंजस्य को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। और ये हारमोनी, ये प्रोसेस कभी भी बदल सकता है। थोड़ा सा आपके अंदर शांति कमी हो गई, प्यार की खुशी कमी हो गई, तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। थोड़ा कोई गलत विचार, गलत भावना आ गई, गलत एटीट्यूड किसके प्रति आए, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक गलत भोजन, एक दिन सैर ना करना, ज़्यादा सैर कर लेना, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेना, कम कर लेना, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। एक दिन नींद ना करना आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इस तरह से, या एक दिन आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की दवाई ली तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो याद रखो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने इन तीनों पिलर्स को, आत्मा, मन और शरीर, तीनों का बैलेंस रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य सदा ही भरपूर रहेगा और आप टोटल हेल्थ एंजॉय कर सकेंगे। ओम शांति। संपूर्ण स्वास्थ्य के तीन पिलर्स, माइंड, बॉडी और सोल, जरूर हम सब इस पर चिंतन करेंगे, और खास करके सोल पर तो जरूर।
क्योंकि ये हमें अपने आप से जोड़ देता है और अध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। और आज स्पिरिचुअल इंडिया में भी हम आपको एक आध्यात्मिक शहर की ओर ही लिए चल रहे हैं, जो मन को बिल्कुल ही आध्यात्म के रंग से भर देता है, हमें आत्मचिंतन की ओर ले चलता है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, आपने सही जाना, बोध गया। आइए चलते हैं। बिहार में स्थित बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हम सब जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया और सत्य की खोज करने निकले। 6 साल तक हठ योग का अभ्यास करने के बाद संतुष्ट न होने पर उन्होंने तब तक ध्यान में बैठने का फैसला किया जब तक कि उन्हें दुनिया के दुखों का समाधान नहीं मिल जाता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह यानी 49 दिनों तक अपने बैठने की जगह से बिना हिले डुले ध्यान किया। उन्होंने उच्चतम अष्टांगिक मार्ग की खोज की और उसका अभ्यास किया और बुद्धत्व या प्रबोधन प्राप्त किया। बुद्ध के अनुसार प्रबोधन वासना घृणा और भ्रम से पूरी तरह मुक्त होने की अवस्था है। महाबोधि मंदिर बोधि वृक्ष के चारों ओर उसी स्थान पर बना है जहां बुद्ध ध्यान के लिए बैठे थे। बोधि वृक्ष का एक पौधा श्रीलंका में राजा अशोक की पुत्री संघमित्रा द्वारा लगाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस कल्प के दौरान पैदा हुए सभी बुद्धों के बोधि वृक्षों की शाखाएं सीलोन श्रीलंका में उस स्थान पर लगाई गई थी जहां आज पवित्र बोधि वृक्ष है। हम ईश्वरीय ज्ञान की मूल बातें सीखकर भी प्रबोधन प्राप्त कर सकते हैं। आप शरीर में रहने वाली आत्मा हैं और परमात्मा की संतान है। यह समझने से आप एक बार फिर वही मुक्त शुद्ध प्रबुद्ध और शक्तिशाली आत्मा बन सकते हैं जो आप हमेशा से थे। अध्यात्म के रंग में रंगा महात्मा बुद्ध का जीवन अब भी सभी को आध्यात्मिक पथ पर चलने को प्रेरित कर रहा है, जो हमने बोध गया में भी देखा। दूर दराज से लोग वहां पहुंचते हैं। सचमुच अध्यात्म व्यक्ति को जैसे महामानवता की ओर बढ़ा देता है। वो अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीने लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी एक ऐसी महान आध्यात्मिक विभूति हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर अर्थ अर्पित कर दिया, अपने आप को भी आध्यात्म में रंगा और औरों को भी आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। महकती यादों में आज हम बात कर रहे हैं राजयोगिनी भोली दाटी जी की। मीठे प्यारे यज्ञ में भोली दादी जी का बहुत बड़ा महत्व रहा। बाबा उन्हें प्यार से भोली भंडारी कहते थे। बाबा ने आपको अथक भाव का भी वरदान दिया और भोली भंडारी कहकर महिमा करते हुए मुरली में भी याद किया। आप लौकिक में अनेक सितम सहन करती हुई बंधनों को तोड़कर अपनी छोटी बच्ची मीरा सहित यज्ञ के प्रारंभ काल में कराची में समर्पित हुई। पहले पहले आप छोटे बच्चों की संभाल के निमित्त बनी और बाद में बाबा ने भंडारे की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी, जिस जिम्मेदारी को आपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते हुए सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। उन्होंने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, हमेशा अपनी सेवा से सबको संतुष्ट किया। कर्मणा सेवा से भी कोई भी आत्मा सबसे आगे नंबर ले सकती है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण थी।
भोली दादी जी, आप 9 फरवरी 2007 को भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। प्रेरित करता हुआ भोली दादी जी का जीवन कि कैसे अपने जीवन को मूल्यवान बनाकर औरों को भी मूल्यवान बनने के लिए प्रेरित किया जाए, यही कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। यहाँ हरेक को पहले अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा दी जाती है, सीख दी जाती है, और इसके बाद फिर समाज की सेवा की सीख। आइए देखते हैं कि अपने जीवन को निर्मित करके समाज को किस प्रकार से परिवर्तित करने के सेवा कार्य में ब्रह्मा कुमारी संगठन लगा हुआ है। पीस न्यूज हाइलाइट्स में द्वीप में भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। सर विवियन रिचर्ड्स मैदान में हरियाणा के दिनेश बाना के शानदार छक्के ने भारत को 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। इस शानदार जीत की बधाई देने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के सीनियर राजयोग टीचर बी के पायल को भारतीय युवा ब्रिगेड से मुलाकात करने का अवसर मिला। It was a great pleasure for me to attend the live final of the World Cup Under 19 cricket tournament held in the island of Antigua in Barbuda, here in West Indies. I was specially invited guest of His Excellency the High Commission of India to Guyana, Dr. K.J. Srinivasa, to the cocktail reception held at the Hotel Royalton Ballroom on Saturday 5th. 2022 in honor to of Team India Under 19. I met so many former legends of West Indies cricket board, Sir Richie Richardson, Sir Andrew Roberts, and along with BCCI selectors, the Governor General of Antigua, Sir Rodney Williams, was the main chief guest of the function. I met ministers and other dignitaries for tourism, foreign affairs and immigration. I met the players and shared the blessings card and sweets of the, and out of two young players also say that their mother attend Brahma Kumaris every day and they would like to take photo with me. So I was so excited and very happy. I really enjoyed and Baba is doing his work really. बीके पायल का मानना है कि भारतीय युवा ब्रिगेड की आधी टीम ने कोविड से पीड़ित होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण, परिपक्व सोच, प्रतिकूल परिस्थितियों से वापस आना, यह दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग कार्यक्रम जो हमेशा ही हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, हमेशा ही हमें खुशियों से भरता है, उमंग से भरता है। लक्ष्य यही है कि इसके हर सेगमेंट से हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा सीखें और आगे से आगे बढ़ें। वैसे भी एक महान व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति वो होता है जो समस्या की ओर नहीं देखता बल्कि समाधान की ओर देखता है, परिस्थितियों की ओर नहीं देखता बल्कि प्राप्तियों की ओर देखता है। तो आप सभी भी समस्या की ओर नहीं लेकिन समाधान की ओर देखें, और परिस्थितियां आए भी तो भी उससे होने वाली प्राप्तियों की ओर देखते हुए आगे से आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना है। आपका दिन बहुत बहुत सुखद और मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।